हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब ने एनडीए 2021 का एग्ज़ाम दे दिया है जो कि 14 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, कब इसकी डेट होगी कि रिज़ल्ट आ जाए जिससे हम लोगों को एकदम कंफर्म पता चले सके कि एसएसबी में मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आई थिंक आप सब ने अपने स्कोर चेक जरूर कर लिया होगा, आपका कितना स्कोर हो रहा है आपको पता होगा। कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एनडीए का रिज़ल्ट कब तक आएगा, एकदम कन्फर्म डेट बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप आज गर्ल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, अगर गर्ल्स इसकी तैयारी की थी या फिर इसका एग्ज़ाम दिया था या फिर आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम देने वाली हैं। सो बने रहना वीडियो में एंड तक। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो वीडियो को करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप अगर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट से आपके नंबर काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं फाइनल टेस्ट में। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, परीक्षा ऐप पर आप अच्छी किस्म के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप वहाँ पर परीक्षा ऐप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउन इंस्टॉल कीजिए। टेस्ट सीरीज़ बाई करते वक्त आप मेरा कूपन कोड जेन्यून 50 यूज़ कर लेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए टेस्ट सीरीज़ लगाइए और अपने जो प्रिपरेशन है उसको एक नया बूस्ट दीजिए। सो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्यून मयंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, रिज़ल्ट की कब तक आएगा इसके कन्फर्म डेट बता करने के लिए पिछले कुछ सालों के बारे में, पिछले जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए थे उनके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, क्योंकि इसमें कोविड आ गया था तो फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराए गए थे, एक ही एग्ज़ाम हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 अप्रैल थी और जो रिज़ल्ट है आपका वो 30 जून को हुआ था। यानी कि सबसे जो ज़्यादा डिले हुआ था एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में एनडीए के, वो इसी बार हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। सो बट ऐसा हमेशा से नहीं होता है, तो इसमें अप्रॉक्स 72 डेज़, यानी कि 72 डेज़ बाद रिज़ल्ट आया था। ये था 2021 का। तो क्या हमेशा ऐसा होता है? तो चलते हैं पिछले और एक रिज़ल्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था ये 6-9 तारीख को हुआ था और आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ गया था 9-10, यानी कि सिर्फ 33 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था यूपीएससी की तरफ से। और ऐसा ही होता है हर बार, यानी कि जो भी पिछले एग्ज़ाम हुए थे हमेशा से ही 30 से 40 दिन के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाता था। तो ये तो हो गई आम बात। तो इस बार का रिज़ल्ट कब तक आएगा ये बताइए, सीधे सीधे क्वेश्चन। तो क्लियरली मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार का रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो इस बार का जो रिज़ल्ट है वो फाइनल जो डेट है वो 15-20 दिसंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है या फिर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है बीच में, तो आपका रिज़ल्ट है 15-20 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर आप उसके एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये था आपका रिज़ल्ट का कि 15-20 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। अगर कुछ डिले नहीं होता है, जैसे पिछली बार कोविड आ गया था तो कोविड की वजह से दो महीने से ज़्यादा रिज़ल्ट डिले हो गया था। तो ये हो गई आम बात, लेकिन जो हमेशा से प्रोबेबिलिटी होती है वो इसी डेट में रिज़ल्ट आएगा 15-20 दिसंबर, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिज़ल्ट के ऊपर जो डाउट था कब आएगा ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि गर्ल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जो गर्ल्स के लिए, जो मैंने पहले ही बोल रखा है कि गर्ल्स के लिए मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इनकी। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जैसे कि आप सब ने बिल्कुल, मतलब कि जेन्युइनली आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना जो एग्ज़ाम दिया है आपको खुद पता होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितनी आपकी प्रिपरेशन थी, क्या आपका सिलेक्शन होगा। ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। क्लियर नहीं हुए होंगे तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला मेरा वीडियो देखिए, आपके डाउट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके डाउट ये क्लियर हो गए हैं, यानी कि आपको पता है कि आपके कितना स्कोर आ रहा है, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, आपका एसएसबी तक आप पहुँचोगी या फिर नहीं पहुँचोगी, तो ये थिंक आपके क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करें, जिनके मार्क्स कम हैं। तो सीधी सी बात है कि आप लोगों को टाइम कम मिल गया, मिला था
यानी कि 45 डेज नॉट इनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनडीए, ठीक है। तो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए 45 डेज बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपके लिए टाइम कम था तो इसमें डरने की कोई बात नहीं या फिर घबराने की कोई बात नहीं कि मेरे में मार्क्स कम है, बिल्कुल कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी मार्क्स कम आए हैं, तो आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं था। तो अब आप करें क्या, अगर आप देख रहे हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करें, बट अगर आपके मार्क्स कम हैं तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कीजिए। ये बहुत ही मतलब कि सजेशन समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम मिल सके। और बहुत सारी गर्ल्स के पास तो लास्ट अटेम्प्ट ही मिला था, तो उनके लिए तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद सीडीएस एंट्री होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सेम टू सेम ऐसे ही जो डिफेंस में ऑफिसर बनोगी वहाँ से भी। तो लेकिन बट जिनके पास अभी एनडीए के लिए टाइम है तो वो जाके नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपका स्कोर नहीं हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा सजेशन है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कीजिए अगर आपका स्कोर कम आ रहा है। ये बिल्कुल भी रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका अगर वेट स्कोर काफ़ी कम है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की सीधा प्रिपरेशन कीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।